अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं इस वीडियो में एम फिल इन्वायरमेंटल साइंसिस के हवाले से तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अच्छा मैं पहले ही डिफरेंस बता दूँ एम फिल एम एस और एम ए में एम इज़ अ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स

मास्टर्स ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स थोड़ी हटके होती है थोड़ी एडवांस लेवल पे होती है क्योंकि एक स्कॉलर लेवल डिग्री होती है ये और इसमें रिसर्च में जो ग्रिप होती है वो आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होती है इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ वट एज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एस एंड एम फिल आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं आ, मैं अगर अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मैंशन कर दूँगी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं तो आप आज मैं आप लोगों को एम फिल इन इन्वायरमेंटल के हवाले से तमाम तर डिटेल बताऊँगी तो एन्वायरमेंटल साइंसिस एक ऐसी डिग्री है जिसका ताल्लुक साइंस के साथ तो ज़रूर है मगर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आप लोग माहौल के बारे में जानते हैं मालियाती साइंस का नाम इसको कह सकते हैं आप लोग अगर उर्दू में दें तो तो माहौल आजकल क्लाइमेट आजकल चेंज होता नज़र आ रहा है एयर चेंज होती नज़र आ रही है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सूरत हाल स्मोग है क्लाइमेट एक्सचेंज है क्लाइमेट चेंज है और इतने सारे मसाइल हैं एयर पोल्यूशन है और इस तरह के इतने इश्यूज़ हैं जो कि हाईलाइटेड है और जिन पे बात भी करना बहुत ज़रूरी है तो ये सब के ऊपर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग योर डिग्री इन इन्वामेंटल सैंसेस तो ये इन्वायरमेंटल साइंस करने वालों का बेसिक मकसद होता है कि आपके माहौल में कौन कौन सी चेंजेज़ आ रही हैं आपके क्लाइमेट में क्या चेंज आ रही है आपकी अच्छा इसमें बाकायदा गवरमेंट लेवल के हिसाब पर भी जॉब्स मिलती हैं इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं इन्वामेंटल साइंटिस्ट होते हैं ये मैं आगे आपको बताती हूँ जॉब्स कौन कौन सी हैं तो ये बेसिकली इस डिग्री का पर्पज़ होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप प्रॉपर uh, रिसर्च करते हैं एम में ऑब्वियसली अगर आप करें तो एम में आपके ट्वेल्व क्रेडिट आर्स रिसर्च के होते हैं रिसर्च में आप लोग प्रॉपर डिटेल के साथ साइंटिफिक मेथड के साथ साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताते हैं कि आपकी क्लाइमेट में क्या चेंज है एटमॉस्फेयर में क्या चेंज है एयर में क्या चेंज है क्लाइमेट एक्सचेंज इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज एक कितना बड़ा और एक्सचेंज इतना बड़ा इशू क्यों है ग्लोबली क्या क्या चीज़ें हैं ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है आपके एकोसिस्टम में एकोलॉजी में ये सब चीज़ें इन्वामेंटल साइंस में एम करने वाला स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है अपनी डिग्री के दौरान और इसके अंदर भी आगे भी फर्दर लोग पीएचडी करते हैं तो ये इसका बेसिक एम और पर्पस है अब जॉब्स की तरफ हम आए तो कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट लेवल दोनों पे ही आप लोगों को जॉब्स अच्छी मिलेगी, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं ठीक है उसके अलावा जियोलॉजिस्ट हैं इन्वायरमेंटल uh, कंसल्टेंट की जॉब आपको मिल सकती है क्लाइमेट रिसर्च की जॉब आपको मिल सकती है इस तरह की मल्टीपल जॉब्स आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट uh, लेवल पे दोनों में मिल सकती है अच्छा अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप लोग बाहर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की रिसर्च टीम होती है जो कि आप लोगों को नई सी नई चीज़ बताती है अब देख लीजिए जैसे स्मोग का हमें पहले नहीं पता था कि ये क्या है तो ये स्मोग की Uh, जो इन्वेंशन है कि ये डस्ट पार्टिकल से आता है गैसेस होती हैं इसमें एयर में ये इश्यूज होते हैं ये डर्टी होती है इसमें क्या क्या नुकसान होते हैं ये तमाम तरह चीज़ें हमें इन्वामेंटल स्पेशलिस्ट या इन्वायरमेंटल ऑफिसर जिसे कहते हैं या एनवायरमेंटल कंसल्टेंट की टीम ने मिलकर ही हमें बताया है कि ये इशू है इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें बताया ओजोन लेयर के बारे में बताया सूरज की श्वाएँ अब डायरेक्ट आने लग गई हैं ये सब चीज़ें आपके एयर में कितनी परसेंट अब ऑक्सीजन है कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है ये तमाम तो चीज़ें हमें इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट इन्वायरमेंटल एजुकेटर इन्वायरमेंटल रिसर्चर इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट लिस्ट ही बताते हैं तो आप ये सब जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है आप लोग अवेल कर सकते हैं इस डिग्री के अंदर अच्छा नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एम स्पेशली करवा रही हैं तो आपके पास लिस्ट है नजर आ रही है आपको कि पंजाब में और के, -के में सिंध में ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एम करवा रही हैं इन एनवायरमेंटल साइंसेस तो एम करवाने वाली यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहला नाम आता है एफ का जिसका नाम है फॉर्मेन क्रिस्टन कॉलेज उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एम करवाया जा रहा है उसके बाद कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर है और मल्टीपल दो तीन और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्पेसिफ़िकली एम करवाया जा रहा है एम नॉट टॉकिंग अबाउट MS. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम ए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एम फिल इन एजु इनवायॉयमेंटल साइंसेज ठीक है तो इसमें आप लोगों को इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है अगर आपने एम फिल करना है नेक्स्ट आपको बताऊँ कि इसकी ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ड्यूरेशन इसकी टू ईयर्स है एम फिल भी टू ईयर्स का प्रोग्राम होता है समहाव आपका वन पॉइंट फाइव ईयर लगता है और जो सिक्स मंथस होते हैं जो डेढ़ साल के बाकी छः महीने होते हैं बचते हैं दो साल के वो आपकी रिसर्च वर्क में लग जाते हैं उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं समटाइम्स वन ईयर कोर्स वर्क होता है और वन ईयर आपके रिसर्च वर्क पे ही लग जाते हैं तो ये आपके ड्यूरेशन होती है और इसके अलावा इसके टोटल चार सेमेस्टर होते हैं और ईच सेमेस्टर सिक्स मंथ्स का ही होता है एलिजिबल होने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली ये एक साइंस से रेलीवेंट डिग्री है तो 2.5 से ज़्यादा जी आप लोगों ने लेकर आना है बैचलर्स की डिग्री में और इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए एम में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड साइंस ग्रुप से हो एम एम uh, एस नहीं सॉरी एम करने के लिए ऑब्वियसली तो उसमें आप लोग बी एस इन्वायरमेंटल साइंसेज से ताल्लुक़ रखते हो बी एस फिज़िक्स से भी कर सकते हैं बायोलॉजी uh, केमिस्ट्री इस तरह के रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हों तो ही आप लोग एम कर सकते हैं अदरवाइज़ नहीं कर सकते रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो आपको पिक नहीं करेंगे एम के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एम पाकिस्तान में थोड़ा टफ होता है इवन दो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल हायर गवर्नमेंट में तो बहुत ही होता है उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं टेस्ट होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ पी यू आपका टेस्ट लेती है और कुछ और भी अगर नस्ट में भी होता है ये तो वहाँ पर भी आपसे टेस्ट लिया जाता है कायद अजम यूनिवर्सिटी में भी आपसे जो इस्लामाबाद की है वहाँ पर भी टेस्ट लिया जाता है एम फिल इन्वायॉयरमेंटल साइंस में एडमिशन लेने से पहले अच्छा ये हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल होती है अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अब पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना जो फ़ी चलान का क्राइटेरिया है फ़ी चलान जो है वो चेंज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी इंक्रीज हो रही है आपकी फ़ीसेस जो कि पहले 25 होती थी वो 35 हो गई है पर सेमेस्टर के हिसाब से फिर थर्टी फाइव से अंडर 45,000 के हिसाब से हो गई हैं तो इसी के अंडर अंडर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करते हैं कि 25,000 से 45,000 या 50,000 थाउजेंड चले फिफ्टी कर लेते हैं क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कितनी इंक्रीज होती हैं आपकी पीसीज तो फिफ़्टी थाउजेंड लगा लेते हैं तो वो आपको इसके अंडर अंडर पर सेमेस्टर कॉस्ट करता है सिक्स मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव इट इज़ अफोर्डेबल देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो आप लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखें तो प्राइवेट की अगर बात करें तो एफ तो बहुत ही एक्सपेंसिव है एफ सी यू यू एम टी ये सब एक्सपेंसिव साइड पर आती हैं तो आप लोग बेहतर यही है कि वन लैख प्लस पर सेमेस्टर देने की बजाय गवर्नमेंट में अप्लाई करें गवर्नमेंट में कोशिश करें और अगर नहीं होता तो फिर आप लोग प्राइवेट की तरफ जंप करिएगा तो ये फ़ीस की बात हो गई मेरिट में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें आपका 2.5 से ज़्यादा मेरिट आना चाहिए और टेस्ट में आपके 50 परसेंट अब मार्क्स आए तो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा अदरवाइज़ मुश्किल होगा एम में मुश्किल होता है रिसर्च में भी आपकी थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए और इसके अलावा अगर आपको बताऊँ प्राइवेट में आपको फिफ्टी परसेंट रिक्वायर्ड है ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है फिफ्टी परसेंट ले लें और प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट इसमें हम सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हैं इसका सिलेबस क्या है तो so, सिलेबस में पांच छह सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं आप लोग देख सकते हैं थोड़े बहुत मैं भी आपको बता देती हूँ जैसे कि आप लोग एनवायरमेंटल फ़िजिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसके अंदर पढ़ते हैं इकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं जियो का सब्जेक्ट पढ़ते हैं रिसर्च का प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ साथ एटमोस्फेरिक फिज़िक्स एटमोसफेरिक इन्वायरमेंटल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स आप लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के ये सिलेबस है जो कि आप लोग कोर्स वर्क में स्टडी करते हैं उसके अलावा आप लोगों ने रिसर्च वर्क में प्रॉपर रिसर्च पेपर तैयार करने होते हैं थीसिस तैयार करना होता है और वन ईयर आपका प्रॉबिबली प्रोबेबली सिक्स मंथ्स टू वन ईयर आपका रिसर्च वर्क रिसर्च टाइम में लग जाता है तो ये आपके चंद मेजर कोर्सेज़ हैं जो सिलेबस है आप लोग एम के अंदर स्टडी करेंगे आ, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी बैचलर्स में स्टडी करके आए होते हैं तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं रिसर्च के मद्देनज़र रखते हुए तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं किससे रेलिवेंट सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स आप लोग स्टडी करते हैं तो ये थी आप लोगों के साथ एक ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन इन्वायरमेंटल साइंसेस के हवाले से मुझे दे इजाजत मैं दोबारा आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और एक इंटरेस्टिंग गाइड के साथ तब तक के लिए अल्लाह